हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में पहले हम संख्या मान लेंगे। माना कि जो संख्या है, संख्या बराबर हमारी क्या है, एक्स है। संख्या को एक्स मान लिया। अब ये कह रहे हैं संख्या का 60%, तो एक्स इंटू 60% मतलब 60/100 का 3/5 है। तो का मतलब होता है गुणा, तो 3/5 वह भाग कितना है, 36 है। ये बराबर 36 है। हम इसमें काट लेंगे, 20 से पहले इसमें काटेंगे तो 20 या 60 और 20 पंजे 100। अब इसमें हम तिरछा गुणा करा लेंगे तो ये हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36 गुणा नीचे वाली संख्या, तिरछा गुणा से ऊपर चली जाएंगी, गुणा 5 और गुणा 5 और बट्टे में हो जाएगा 3 गुणा 3। 3 से हम 36 को काटेंगे तो 36 कट जाएगा, 3 एकम 3 12 दिए 36। फिर 3 से काट देंगे तो 3 चौके 12। अब इनकी गुणा करा लेंगे, 4 और 5 की गुणा करेंगे 20, 4 पंजे 20 और 20 की 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आएगा, 100। तो हमारा जो संख्या है वो 100 है। आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य बताना है। पूरे सर्वेक्षण का माध्य पूछा गया है, कुल 40 प्रेक्षण हैं और जिसमें से 10 का माध्य 4.5 है। तो गुणा अगर इनका योग करना है तो गुणा हम 10 कर दें, प्लस 3.5 जो है शेष का माध्य है, तो 10 इधर हो गए तो कितने, 30 बचे, तो 30 इधर हो गए तो पूरे का बटा 40, कुल प्रेक्षणों की संख्या है 40, तो बटे हुए 40 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे तो पहले हम कॉमन लेकर 0 0 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ भी ऊपर से हम 10 और 10 कॉमन लेंगे तो हमारा दोनों 0 कट जाएंगे, नीचे से हमारा भी 0 कट जाएगा। अब इनकी गुणा करा लेंगे, 4.5 की 1 से गुणा कराएंगे तो 4.5 प्लस 3.5 और 3 की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10.5 और बटा में आकर 40 बटे में 4। जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे इनको हम, तो जोड़ेंगे 4.5 प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15 बटा 4 कर लेंगे, भाग करा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, फिर 2 बचा, 4 5 20, तो 3.7 हमारा क्या हो जाएगा, पूरे सर्वेक्षण का माध्य जो है 3.7 हो जाएगा। तो आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा है 20 सेंटीमीटर, भुजा बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 20, स्क्वायर करेंगे तो गुणा में 2 बार लिख लेंगे, 4 से काट देंगे, अब 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 कट जाएगा, 20 और 5 की गुणा करेंगे, 20 पंजे 100 √3/2 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 12% हान पर बेची गई, यदि इसे 49 अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। क्वेश्चन को हल करते हैं। वस्तु 12% हान पर बेची गई है, यदि 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 2% का लाभ होता है। मतलब क्या हुआ कि 12% और प्लस 2% कितना हुआ, 14%, 14%, तो 14% बराबर कितना है हमारा, 49 के बराबर है। तो 1% कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 49 बटे 14
हमको चाहिए कितना, 100%, कोई भी वस्तु हो तो वो 100% पर होती है, तो 100%, 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 49/14 गुणे 100 हो जाएगा। अब काट लेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और यहाँ 7 सत्ते 49, 2 एकम 2, यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, 7 और 50 की गुणा कराएंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 350, 350 वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो कुल विलयन जो है वो 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम का हम 5% निकाल लेंगे, 5% पूछ रहा है, तो 250 ग्राम का 5% बटा 100 कर लेंगे, तो 0 दोनों काट देंगे, तो 250 में हमारे 2 के बाद में दशमलव लग जाएगा। अब गुणा करा लेंगे, तो 250 की गुणा 2.5 बचा, इस 0 का कोई मतलब नहीं, तो 25 की गुणा 5 में कराएंगे तो 125 हो जाएगा, 1 के बाद में दशमलव ग्राम, जो आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/4 कितना होगा। हल करते हैं, माना जो ईंट है तो ईंट का भार कितना है, ईंट का भार एक्स, एक्स है ठीक है, तो ये कह रहे हैं ईंट के भार का 3/4, तो ईंट का भार हमने एक्स माना है, तो एक्स का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो ये बराबर कितना है, 7/8 के बराबर है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3/6 गुणा करेंगे तो 7/8, और इधर वाला ऊपर चले जाएंगे 4 और नीचे 3, काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 काट दिए, तो ये हमारा हो गया 7/6। अब ये कह रहे हैं कि तो उसके भार का 5/7% कितना होगा, तो भार कितना आया, 7/6 आया, और इसका जो है 5/7 पूछा गया है, तो 5/7 निकाल लेंगे, 7 से 7 कट गया, तो ये बचा कितना, 5/6, यही आंसर हो जाएगा, 5/6 किलोग्राम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।